नमस्कार दोस्तों, जहाँ पे आपको 150 से भी ज़्यादा कोर्स फ्री और बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं, समझ लेना कि वहाँ गूगल का हाथ है। तो गूगल डिजिटल अनलॉक में आपका स्वागत है और यहाँ पे आपको गूगल गैराज के बारे में बताया जाएगा। शुरू करते हैं गेट न्यू स्किल्स फॉर अ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होगी कि एक महिला बनी हुई है। उस महिला के बनने का कारण नीचे FAQ प्राइवेसी एंड टर्म्स में इंडिया लिखने का है। अगर आप USA का लिखा है तो आप चूज़ कर लीजिए इंडिया को, देन ओनली यू बी एबल टू सी कि क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो लागू होती हैं। तो फ़िलहाल आपको बता दें कि गूगल जो है वो आपको 150 से भी ज़्यादा कोर्सेज फॉर फ्री दे रहा है, और ये करने का कारण क्या है? अपने बिजनेस को ग्रो करना, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनैलिटी और ट्रेनिंग कोर्सेज को दे रहा है। साथ में बिजनेस को छोड़िए, आप अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचिए, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़, ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रैटेजीज वगैरह वगैरह। ठीक है, बात करते हैं गेटिंग स्टार्टेड पे जाके। यहाँ पे आपको दिख जाएगा गूगल गैराज के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपको तुरंत आ जाता है ऑनलाइन कोर्सेज। जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं आपको वो 155 कोर्सेज हैं फॉर इंडिया। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको डिस्कवर अ रेंज ऑफ फ्री लर्निंग कंटेंट डिज़ाइन टू हेल्प योर ग्रो योर बिजनेस एंड जम्प स्टार्ट योर करियर। तो ये हमारा गूगल डिजिटल अनलॉक है, हमारे करियर को, हमारी स्किल्स को गेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स की, तो हमारे पास 155 कोर्सेज जो हैं वो फ्री हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई आपको सर्टिफिकेट मिलना कंपलसरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री हैं, दैट इज़ ओके, मगर सर्टिफिकेट जो है आपको कुछ ही कोर्सेज में मिलेगा। बाय द वे, नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सर्टिफिकेट। बात करते हैं, स्टार मार्क हो रखा है यहाँ पे, इंक्लूड सर्टिफिकेशन फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बहुत फेमस कोर्स, बहुत ही समय से फेमस कोर्स, काफ़ी सालों से, जब ये आया था ये कोर्स तब से हर कोई इस कोर्स को प्रेफर कर रहा है। कारण क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फ्री, एंड सेकेंड इज़ इट कंटेन्स सर्टिफिकेट ऑल्सो। और आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, आपको ऐसे 155 कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो। मगर हम बात करने वाले कुछ खास कोर्सेज की जो आपके लिए ज़रूरी हैं आपके आगे करियर और स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो स्टार्टिंग में ही बात कर लेते हैं हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स, एंड इसी की वजह से गूगल डिजिटल अनलॉक कोर्सेज या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स की वजह से यहाँ पर लर्न डिजिटल विद गूगल फेमस हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात करें फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की, तो गूगल से बढ़िया आपको कौन समझा सकता है? गूगल ही करवा रहा है ये सारी मार्केटिंग। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि लर्न द फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और हेल्प करेगा आपको ग्रो और अपने करियर और बिजनेस को ग्रो करने में। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी चिंता मत करें, आप कोर्स पे ध्यान दें, आपको बहुत सारे ऑफर मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यार इस कोर्स की, तो यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं 26, 40 घंटे का कोर्स है, टेंशन मत लें, मैंने भी ये कोर्स करा था। बिगनर फ्रेंडली और साथ में फ्री है, तो सर्टिफिकेट जो है वो रिकॉग्नाइज होगा। बिगनर फ्रेंडली है यानी कोई भी इंसान, ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़, अगर आप 10वीं पास भी हैं इवन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो देखने को मिल जाते हैं इस कोर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग के तरीके, और वो भी बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट लोगों से। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स या एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। और इस तरह से कुछ आपका सर्टिफिकेट दिखेगा जहाँ पे गूगल बड़ा बड़ा लिखा होगा, फिर डिजिटल अनलॉक लिखा होगा। तो आपको आपका ये बड़ा सा नाम होगा यहाँ पे, एंटन ली है, ये हमारे एक व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है। बाय द वे, आपका नाम भी आएगा इसमें। गेटिंग सर्टिफिकेट शो एम्प्लॉयज दैट यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कॉन्सेप्ट। तो कोर कॉन्सेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आप, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि यहाँ पे बात हो रही थी 40 घंटे की, ठीक है, मैंने बोला था इस कोर्स में 40 घंटे लगेंगे। बाय द वे, उन लोगों के लिए जो एकदम पूरा फॉलो करते हैं उस कोर्स को, ठीक है, कुछ लोग जो हैं स्किप कर देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ क्वेश्चन क्विज करते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं सिर्फ असिस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ऑल दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो डील करने पड़ते हैं हमें। बाय द वे, 40 आवर्स सिर्फ नाम का है, इवन मैंने वन डे में कर दिया था, एक दिन में ही इस कोर्स को करके सर्टिफिकेट गेन कर लिया था, मगर माय नॉलेज वाज लेस। तो इसका ध्यान रखें कि आपको नॉलेज ज़्यादा गेन करनी है, ना कि सर्टिफिकेट का मायना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें,
कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको कोई स्किल मिलेगी और वहाँ पे वीडियोस ट्यूटोरियल समझाए जाएंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, गूगल जो है वो सबके लिए कर रहा है और पूरी दुनिया में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, तो ध्यान दे इस बात का, इंग्लिश में होगा ये कोर्स। एंड आई डोंट नो, आई थिंक सब टाइटल जो है या कैप्शन जो है वो हिंदी में दिख जाएंगे, जिसको दिक्कत होती है। वैसे आजकल की जनता जो है काफ़ी स्मार्ट है, बस आपको क्विज़ करनी पड़ेगी। आप क्विज़ की वजह से आपका असेसमेंट होगा। अगर आपने एक वीडियो देखी उसके बाद क्विज़ होता है, उस वीडियो को समझा आपने कितना, वो क्विज़ से पता चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्विज़ गलत हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा पास द फाइनल 40 क्वेश्चन एग्ज़ाम। 40 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको क्वेश्चंस को देना होता है, टाइमर चल रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। बस ध्यान दें कि आप सच में कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि एक करते हैं सर्टिफिकेट के लिए काम, एक करते हैं नॉलेज के लिए काम, आपको करना है दोनों के लिए काम। तो 40 आवर वर्थ होने चाहिए। थर्ड आ जाता है हमारा डाउनलोड एंड शोकेस योर क्वालिफिकेशन ऑन लिंक्डइन एंड CV। ये बात बोलने की नहीं है, ये तो हम डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। ये 26 मॉड्यूल्स में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, द ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी। मैं इसके बारे में ज़्यादा इसलिए बता भी रहा हूँ क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है, डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो ज़्यादा ज़्यादा हमारे लिए डील करती है अगर आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट स्टेप टू ऑनलाइन सक्सेस, फिर दिख जाता है बिल्ड योर वेब प्रेजेंस, प्लान योर ऑनलाइन बिजनेस एंड सो ऑन। आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्किल, डेटा एंड एनालिटिक्स एंड डेटा इंसाइट्स, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड ऑल। सक्सेस स्टोरी में देखो 300,000 पीपल हैव ऑलरेडी गेन दिस क्वालिफिकेशन एंड आर यूजिंग इट टू डेवलप एंड इम्प्रूव द करियर। अपना करियर बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने अपने स्टोरी जो है उन्होंने लिख रखी है कि मेरे को पहले कंटेंट मार्केटिंग में, अब मैनेजर के रूप में, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। वैसे बड़ी बातें पढ़ने से अच्छा है सीधा हम कोर्स में इनरोल करते हैं, ठीक है। आपको बता देते हैं ये कोर्स क्यों है हमारे लिए, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट। तो यू विल अर्न एन ऑथेंटिक डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल। गूगल की हेल्प से, गूगल से आपको मिलेगा एक ऑथेंटिक, यानी एकदम वैलिड कह सकते हैं, जिसकी मार्केट में वैल्यू है, ऐसा आपको एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड यू, हाउ डू आई गेट द गूगल डिजिटल अनलॉक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, आपको एक PDF की फॉर्म में मिलेगा जो काफ़ी ओरिजिनल होगी। मतलब आप जूम भी करेंगे तो वर्ड्स जाहिर दिखते हैं, क्योंकि अगर आप अपना, कुछ लोग एडिट कर देते हैं नाम तो वहाँ पे ब्लर हो जाता है, और दैट विल बी नॉट वैलिड सर्टिफिकेट, ठीक है। आई लॉस्ट माई सर्टिफिकेट, अगर किसी को मिल चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि आप दोबारा से कर सकते हैं, वट एवर। हाउ वू प्रोवाइड द मार्केटिंग सर्टिफिकेट बाय गूगल। तो यहाँ पे गूगल का डिजिटल अनलॉक जो है वो आगे बढ़ रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि कोर्स को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। स्टार्ट करने से के बारे में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर या साइन इन करना होगा, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर पहले से ही कर रखा है तो साइन इन कर दे, जैसा मैंने कर रखा है पहले से रजिस्टर। तो जब भी मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा या फिर जब मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, मेरा गूगल अकाउंट से लिंक हो जाएगा। यानी अगर आपका एक Gmail ID है या गूगल का अकाउंट है आपके पास, तो आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं बाकी कोर्सेज की, जो मेरे को लग रहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 155 कोर्सेज हैं टोटल, तो आपको देख सकते हो कि गेट अ बिजनेस ऑनलाइन, फिर आ जाता है कस्टमर फाइंडिंग यू ऑनलाइन, प्रमोट अ बिजनेस विद ऑनलाइन एडवर्टाइजर, ऐसे करके यार बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, या फिर आप इतने पढ़े लिखे हो कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में वैल्यू किस चीज़ की है, वो चाहे AI हो गया या ML हो गया या डेटा एनालिस्ट की हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ़िल्टर। मैंने फ़िल्टर पे क्लिक करा तो कैटेगरी आ गई डिजिटल मार्केटिंग, कैरियर डेवलपमेंट, डेटा टेक। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अपना कैरियर को डेवलप करना है तो आप कैरियर डेवलपमेंट में जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको जनरली बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले अभी इसी के बारे में बता रहा था। और फिर आ जाते हैं डेटा एंड टेक। मान लो मेरे को डेटा एंड टेक के बारे में देखना है, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। कोर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक कोर्स जो है वो आपको जल्दी से कम समय में आपको हो जाए, तो आप उस प्रकार से लेंथ ले लें। वैसे इतना ग्रीड करना भी सही नहीं है, थोड़ा टाइम लगाएं। तो मैं इस पर कोई ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लेंथ चलेगा। सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, डेफ़िनेटली। अगर आप फ्री सर्टिफिकेट चाहते हैं तो फ्री कर दें, ठीक है। और
यहाँ पे कोर्स की डिफ़िकल्टी जो होनी चाहिए वो बिगनर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या जिसको है भी वो भी कोई बात नहीं। और बात करते हैं कोर्स कौन करवा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ गूगल ही नहीं है, गूगल के साथ बाकी कंपनियाँ भी जुड़ रखी हैं, जैसे अप्लाई डिजिटल स्किल, कोर्सेरा, डार गार्डन स्कूल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गूगल क्लाउड भी है, साथ में ग्रास ऑपर भी है, बहुत सारी लिस्ट है। तो मैं जैसे ही फ़िल्टर को अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पे कोई कोर्स नहीं आ रहा, बुरी बात यह है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट का कोर्स यहाँ पे मिलने का नहीं है। तो हम वापस आ जाते हैं यार, मैं आपको पहुँचा देता हूँ फ्री सर्टिफिकेट दिखाने पे, यानी मैं सारे कोर्सेज को एनरोल करके देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट नाउ। तो हमें एक ही कोर्स मिला जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तभी आपको ये कोर्स मिलेगा, यानी अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कोर्स करना है तब आपको डिजिटल मार्केटिंग मिलेगा, वरना बाकी सारी नॉलेज तो फ्री में ले ही सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को गलत फहमी है कि मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला तब क्या करें, तब यहाँ देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वो फ़िल्टर हटा दिया है, बाकी सारे कोर्सेज आ गए हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरे को एक AI या ML जैसा कोई कोर्स मिल जाए जो कि मेरे काम आए, तो यहाँ पे मैं लोड मोर पे जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे को दिखने लगे कुछ नए नए कोर्स, और पहले ही कोर्स यहाँ पे नज़र आया, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, और भी हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, या ऑनलाइन बिजनेस सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल वेलबींग, या फिर आप इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग, बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं फ़िलहाल आपको यार अपना मशीन लर्निंग वाला कोर्स जो मैं करने वाला हूँ वो दिखा देता हूँ। तो यार ये कोर्स ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री, यानी आप कोर्स किसी भी कोर्स को फ्री में कर सकते हैं, बस सर्टिफिकेट का चक्कर पड़ जाएगा। जिसको सर्टिफिकेट के लिए कोई कोर्स करना है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का ही सर्टिफिकेट है। तो यहाँ लिखा है अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो अगर आपको मशीन लर्निंग का बेसिक सीखना है मगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यानी ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यहाँ पे बढ़िया से समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग कोर्स सिर्फ 1 आवर का है, यानी आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा बढ़िया से, और आप फ्रीली स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट रजिस्टर कर लेना। और रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आपका गूगल अकाउंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल बिगनर लेवल है, एंड टू एंड असाइनमेंट है, अनलिमिटेड एसेस है, यानी आपने एक बार इस पर एनरोल कर दिया तो आप कभी भी लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, और कैसे इस कोर्स की हेल्प आप ले सकते हैं, क्विज़ वगैरह करके आपको नॉलेज गेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे आ जाते हैं मॉड्यूल इंक्लूडेड, यानी अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिया 1 आवर का, तो आपको बाकी के मॉड्यूल भी देखने को मिलेंगे, कि इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग के 3 लेसन्स दे रखे हैं, मेकिंग सेंस ऑफ मेसी वर्ड या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अप्लाइंग मशीन लर्निंग टू बिजनेस प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, और स्किल जो मिलेगी आपको वो लेटेस्ट स्किल जो होगी मशीन लर्निंग की मिलेगी। मैं स्टार्ट फ्री कोर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, यानी आपको अपना गूगल फॉर्म से रजिस्टर करना होगा, जो कि मैं रजिस्टर कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे दोबारा से दिखाऊँ, यानी आपके लिए ये आसान होगा काफ़ी, बस रजिस्टर विद गूगल करके अपने कोई भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर दें, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ बैक, चले जाते हैं फटाफट से। और ऐसे ही आप कोई से भी, जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं उसमें से आप कोई सा भी पसंद करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोड मोर पे जाते रहें, बार बार लोड मोर आता रहेगा, आप नए नए कोर्सेज को देखते रहेंगे। अगर आपको कोई नया कोर्स पसंद आ गया, या फिर या बिजनेस कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, हाँ पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे, जहाँ पे हम क्वारंटाइन रहते हैं घरों में, और हमें कोई नॉलेज नहीं रहता, बस हमें टाइप करना आता है मैसेज, और टीचरों के सवालों के भी जवाब नहीं देते। तो यहाँ पे फ्री में कोर्स मिल रहा है जो कि ओपन क्लासरूम के द्वारा हो रहा है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा पब्लिक स्पीकिंग का, और आप जब भी एक प्रेजेंटेशन देंगे या फिर आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये भी 1 आवर का कोर्स है, मॉड्यूल 1, वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको इसमें भी, और अनलिमिटेड एसेस है। तो आपको यहाँ पे इतनी सारी स्किल्स देखने को मिल जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, गूगल के प्लेटफॉर्म पे। और गूगल डिजिटल अनलॉक कोर्स जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आपको इतने फेमस हैं कि आप जब सर्च भी करेंगे तो इजीली दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप जो
जो जो कोर्स करना चाहते हैं, जो जो नॉलेज लेना चाहते हैं, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म एकदम फ्रीली अवेलेबल है, गूगल ने बनाया है। इसमें कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, एकदम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़िया हैं यहाँ पे। और मेरे को नहीं लगता कि इतना बढ़िया अवसर आप छोड़ सकते हैं। तो जाइए करिए कोर्स, और बाकी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और नए नए कोर्सेज की जानकारी के लिए, बाकी कोडिंग या जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है उसके लिए यार एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना जब भी कोई नया वीडियो आएगा। मैं आजकल वेबसाइट रिव्यूज़ भी दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपको नई नई वेबसाइट्स को सफ़र करने का मौका मिलेगा और काफ़ी मज़ा आता है यार। अगर हम साथ मिलके चलें और सपोर्ट मिलता रहे तो एक लाइक तो बनता है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।